शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्ते सरकार। जी, नौकरी की उम्मीद लेकर आया हूँ। राहत की नौकरी छोड़ दी क्या? अजी, नौकरी क्या, गांव तक छोड़ दिया। गंदे माहौल में तो सांस घुटने लग गया था। क्या मतलब? अजीब जमाना आ गया है सरकार। मीना देवी शादी से पहले ही मां बनने वाली थी। इसी डर से तो रोहित बाबू ने उनसे शादी कर ली। मां बनने वाली थी तो आपने शादी कर ली। खैर, तुम जाओ कल आना। बहुत अच्छा सरकार। सुबह सुबह कुछ खाने को दिल नहीं करता। तो फिर दूध पी लो। दूध पी लेता हूँ। तुम बोलो। और बस बस छोड़ो ना। क्यों छोड़ दिया? खाने पे घर आओगे? नीचे छोड़। तुम्हें यहां आने की जरूरत कैसे हुई? चला जाओ यहां से। मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। दलील बेशरम, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। रोहित, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल चुकी है। रोहित, मेरा जमीर दिन रात मुझे लानत भेजता रहता है। मेरी काली करतूत हर वक्त मेरे कलेजे को नोचती रहती है। मेरी मदद करो रोहित, मेरी मदद करो। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। सिर्फ मौत ही तुम्हारे पाप का प्रायश्चित है। जाओ डूब मरो किसी कंधे नाले में। नहीं रोहित, नहीं। दुख तो इस बात का है कि मरकर भी मेरी आत्मा को चैन नसीब नहीं होगा। मुझे जब से मालूम हुआ है कि बेसहारा नीना मेरे बच्चे की मां बनने वाली। जलील कुत्ते, अगर ये बात फिर तुमने अपनी गंदी जबान पर लाई तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। तुम शायद नहीं जानते कि नीना अब मेरी बीवी बन चुकी है। बीवी? तो क्या तुम मुझसे शादी कर ली? हाँ, तुम्हारी दरिंदगी का शिकार होकर जब नीना को यह पता चला कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहा। लेकिन मेरे प्यार ने आगे बढ़कर हमेशा के लिए उसका दामन थाम दिया। मगर अच्छा कुमार, नीना मेरी जिंदगी है और वो जिस जिंदगी को भी जन्म देगी उस पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। अगर तुम अपनी जान की खैर चाहते हो तो ये मनहूस सूरत लेकर यहां से दबा हो जाओ। गेट आउट। हाँ, भारी दरिंदगी का शिकार होकर जब नीना को यह पता चला वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहा। मेरे प्यार ने आगे बढ़कर हमेशा के लिए उसका दामन थाम दिया। मेरी सूरत बिगाड़ने वाले, अब तुम मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाओगे? हेलो बॉस, कहाँ जाने की तैयारियां हैं? पेरिस की। हम लोग एक दो दिन के लिए शहर जा रहे हैं। तुम पीछे से काम का ध्यान रखना। ओके बॉस, ओके। अरे भाई, ये क्या ड्रामा है? आगे से कमीज अंदर, पीछे से बाहर। दरअसल बात यह है, सामने से मेरी कमीज फट गई है इसलिए पैंट के अंदर कर ली, पीछे से पैंट फट गई इसलिए कमीज बाहर कर ली। नहीं समझे? यार लिमिट, यार यू आर ए लिमिटेड बॉस। हैव अ गुड टाइम बॉस।
हेलो बॉस, गजब हो गया बॉस। दिल्ली जिस गाड़ी में माल लेके जा रही थी उसे पुलिस ने पकड़ लिया बॉस। सच सच बताओ, ये माल किसका है? लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं इस जुर्म में तुम अकेली नहीं हो। बताओ तुम्हारे गैंग में और कौन कौन है, बताओ, वरना तुम्हें अकेले ही जेल की हवा खानी पड़ेगी। नहीं बताओगी? ओ जय सिंह, इसे अवलाद में बंद कर दो। चलो मैं कहता हूँ चलो। इंस्पेक्टर, हम आपको सब कुछ बता देगा, आप मुझे छोड़ देगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं? गैंग का लीडर का नाम है। क्यों शर्मिंदा करते हो यार, मौका ही दिया सेवा करने का। अच्छा भैया, नमस्ते भाभी। अरे कमल, मेरा बैग तो तुम्हारे घर ही आ गया। हाँ एक्सक्यूज मी, आपने किसी आदमी को इधर से भागते हुए देखा है? क्या बात है इंस्पेक्टर? एक आदमी किसी का फोन करके भाग गया। फोन? हैंड्स अप, उठो उठो जल्दी, गिरफ्तार कर लो इसे, ले चलो। डॉक्टर आप बहुत ठीक है ना? मुबारक हो माँ जी, आप दादी माँ बनने वाली हैं। सच? हाँ। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मैं इसी दिन के लिए तो जी रही थी। मुंह मीठा करके जाना। अरे चांद नारायण, जाके मिठाई ला। रोहित को फोन कर, मैं बहू को देख लूं, उसने तो घर में गुजारा कर दिया। आपका लड़का पैदा हुआ, आप अब अंदर जा सकते हैं। मेरा लाजा, मेरा लाज दुलारा। ए ले बेटा, बधाई हो, बधाई हो बहू। दीपक मुबारक हो नीना।